एमुअलहक के द्वितीय पुत्र के पातम फॉल में डूबने से मौत हो गई। 7 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद कोडरमा हजारीबाग के गोताखोर ने शव को निकाला। घटनास्थल पर खुद SHO बबलू कुमार दिन भर रहे। घर में पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पूरे पांकी में गम का माहौल छाया है। संवाददाता है चेंज झा, हमारे झारखंड न्यूज में सभी दर्शकों जोहार आदाब नमस्कार। अभी अभी जैनुल हक का लड़का सदाब हुसैन फेरहंस लातेहार के जलप्रपात में नहाने के दरमियान में उसका मौत हो गया था। अभी पोस्टमार्टम के बाद लाश आई है। बहुत लोगों का भीड़ है सभी परिवार में। लोग घूमने गए थे पातम पातम, उसी क्रम में नहाने के क्रम में लड़का वहाँ नदी में जो है गिर गया। गिर जाने के बाद 24 घंटे के बाद लाश उसका मिला। बहुत दुख की बात है। अभी हम लोगों के अंदर मातम छाया हुआ है यहाँ पूरे परिजनों के अंदर। हाँ, तो उस पानी में ऐसा तो नहीं कुछ जानवर था जो खींच लिया? नहीं, वैसा तो नहीं। अगर जानवर रहता तो कहीं ना कहीं तो कुछ निशान होता। खाया हुआ रहता वैसा कुछ नहीं।